तेलंगाना गवर्नमेंट की ओर से पूरे गणेश प्रोसेशन का भारी इंतजाम किया गया। मजनजय मार्केट पे भाग्यनगर उत्सव समिति वाले हमारे गवर्नमेंट के जो भी बैकड्रॉप्स थे, फ्लैक्स थे, पूरे निकाल दिए, फिर भी हम चुप रहे, शांति से प्रोसेशन जाना बोलकर। इतने में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा जी आए, उन्होंने स्टेज पर चढ़ के ही हमारे चंद्रशेखर राव जी, कुत्ता है, मजलिस का है, ये गवर्नमेंट को गाली देना ये कहां तक ठीक था। हमने उसका विरोध किया, हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने माइक लेटर मुख्यमंत्री जी से पूछा, आप यहां पर क्यों आए? आपको गणेश अडल के लिए कुछ भी, गणेश भगवान के लिए कुछ कहना तो चाहिए, प्रोसेशन के लिए कुछ चाहिए, पर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, दूसरे राज्य के सीएम को गाली देने का अधिकार नहीं है, आप यहां से जा सकते। बल्कि मैंने कहा, मैं जनता से विनती करता हूं, सब पीसफुल शांतिपूर्वक त्यौहार बनाए, और ये जो भी प्रोसेशन जा रहा है इसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी इंतजाम किए उसका लाभ ले, उसका फायदा उठाए। कोई तनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले हैदराबाद शहर में कुछ भी छोटे से छोटा इश्यू लाकर उस तनाव देना चाह रहे, एक आदत पड़ गई है उनको, कुछ भी सीएम को गाली देना, केडीआर को गाली देना, कविता को बदनाम करना। आप पॉलिटिकली जो बोलना है बोलिए, पर धर्म के नाम पर मुख्यमंत्री को गाली देंगे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम कड़ा विरोध करेंगे, जहां कहीं भी धर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हम भी हिंदू है, मैं ब्राह्मण हूँ, हजारों पंडितों को हमने डोनेशन दिए, हजारों लोगों को धर्म का काम कर रहे, क्या गुत्ता लिया लोगों ने धर्म का, ठेकेदार है लोगों ने धर्म के, हमारा सीएम धर्म के लिए काम नहीं कर रहा। सुधर जाओ बीजेपी वालों, और ये भाग्यनगर समिति वालों, मैं आपको समझा रहा हूँ, छिछोरे ड्रामा बंद करो। किसी भी राज्य के लीडर को बुलाना, हमारे सीएम को गाली देना आने वाले दिनों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर।